हैलो एवरीवन, वेलकम इन पंजाबी क्लास। अज आप अपनी पंजाबी क्लास में अपना विसाखी का मेला ऐसे करा। विसाखी का मेला ऐसे सुनो, मैं विसाखी के त्यौहार बारे जानकारी देवगी। जो विसाखी का त्यौहार है कदों मनाया जाता है तो यह इतिहासक महत्व की है। फस्ट आप करते हाँ, विसाखी का मेला कदों मनाया जाता है। तो जो विसाखी का त्यौहार है ये कि है पंजाब बड़ी धूमधाम बड़े ही उत्साह मनाया जाता है। विसाखी के दिन कई थावां ते पंजाब मेले लगते हैं। तो जो विसाखी का त्यौहार है वह 13 अप्रैल में मनाया जाता है। तो इस दिन अपने देसी महीने विसाख की संगरांद होंदी है। तो इस तरह जो विसाखी का त्यौहार है विसाख की संगरांद ज 13 अप्रैल में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार का संबंध किसानां नाल है। तो इस दिन की है किसानां दी जिहड़ी हाड़ी की फसल है वह पक के तैयार हो जाती है। तो विसाखी वाले दिन ही कणक किसान अपनी कणक की फसल की कटाई शुरू करते हैं। जिहड़ी वह कणक की फसल की कटाई शुरू करते हैं उसनों वाढ़ी कहा जाता है। जेकर किसी किसान की कणक पूरी तरह पक के तैयार ना हुई होवे तां उह फसल की कटाई की की है विसाखी वाले दिन रसम की करते हैं। तो इस दिन विसाखी वाले दिन किसान बहुत खुश होंदे हन क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी फसल है वह पक के तैयार हो जाती है। इसलिए कि उन्हां नूं अपनी मेहनत नूं फल लग्या दिखाई दिंदा है। इस करके किसान खुशी खुशी विच भंगड़े पाउंदे नचदे हुए ढोल बजाउंदे हुए मेले विच जांदे हन। ते विसाखी दे मेले दा संबंध किसानां दी फसल दे नाल नाल इस नाल होर भी इतिहासक घटनावां जुड़ियां होईयां हन। जिवें फस्ट इस नाल इह इतिहासक घटना जुड़ी हुई है वी इस दिन अपने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब विखे 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की सी। उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छका के फिर आप उन्होंने अमृत छकया तो इस तरह उन्होंने सिंह सजाया तो इन 5 प्यारों के रूप में खालसे का जन्म होया। इस नाल विसाखी के मेले नाल एक होर भी दुखांतक घटना जुड़ी हुई है। वह दुखांतक घटना है जलियांवाले बाग की। इस दिन विसाखी वाले दिन 1919 जलियांवाले बाग में अनेक ही लोग अंग्रेजों के जुल्म विरुद्ध रोस प्रगट करने लिए इकट्ठे हुए सन। तो अंग्रेजों ने उन्हें सैकड़े लोगों उत्ते गोलियां भरा दित्तियां जिस कारण बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो इन शहीदों इस दिन अमृतसर विखे एक यादगार बनाई हुई है, उत्थे श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। इस तरह इस त्यौहार का कौमी महत्व भी है। तो इस दिन लोग कई पवित्र सरोवरों में जाके इशनान करते हैं क्योंकि इस दिन इशनान करना शुभ मनिया जाता है। तो श्री हरिमंदर साहिब विखे लोग दूर दूर तक इशनान करने लिए आते हैं। विसाखी वाले दिन कई थावां उत्ते मेले लगते हैं और लोग मेले में खुशी खुशी शामिल होते हैं। मेले में हर वर्ग के लोग बच्चे बजुर्ग नौजवान शामिल होते हैं। कई बार कई मेलों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो सानू अजे लड़ाई झगड़ों तो दूर रहने की लोड़ है, सानू अजे लड़ाई झगड़ों तो बचना चाहिए है। तो जिहड़ा विसाखी है वह साडा की खुशियां भरिया मौसमी त्यौहार है। तो ये किसानां दा विशेष त्यौहार है। इस ये त्यौहार सानू साढ़े भारत की आजादी लई दित्तियां हुई कुरबानियां की भी याद दवाउंदा है। इसलिए सानू इस त्यौहार नू साफ सुथरे ढंग नाल मनाउणा चाहीदा है ते लड़ाई झगड़ों तो बचना चाहीदा है। इस दिन सानू अपने देश की आजादी की रक्षा का भी प्राण लेना चाहीदा है। तो इस तरह इस त्यौहार नू खुशी खुशी इंजॉय करना चाहीदा है। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।